रंजीत बॉलीवुड के उन खूंखार विलन में से एक हैं जिन्हें देख लोग दहशत में आ जाते हैं, जिन्होंने पर्दे पर ऐसा वहशीपन दिखाया कि फिल्म इंडस्ट्री के ये मशहूर विलन बन गए। फिल्मों में जिनका काम भले ही डरावना लगता है, लेकिन शौहरत, इज्जत और प्यार इन्हें भी उतना ही मिला जितना इनके साथ काम करने वाले हीरोज को मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के ये मशहूर विलन आज कहाँ हैं, किस हाल में और कैसी जिंदगी जी रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनके आज के हालातों से रूबरू कराने वाले हैं, पर उससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 12 सितंबर साल 1946 के दिन अमृतसर के पास स्थित एक गांव में पिता द्वारका प्रसाद बेदी के घर उनकी सबसे पहली संतान का जन्म हुआ और नाम रखा गया गोपाल बेदी, जिन्हें हम रंजीत के नाम से जानते हैं। बात करें अगर इनके एक्टिंग करियर की, तो आपको बता दें कि इन्होंने 1970 की सावन भादो फिल्म से साइड रोल निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी, पर इन्हें इनकी असली पहचान तब मिली जब इन्होंने भाई हो तो ऐसा में डाकू मंगल सिंह की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनके खलनायक वाले रोल को काफी पसंद किया गया था। उसके बाद ही इन्हें हर एक फिल्म में विलेन का रोल मिलने लगा, जिसे देखते हुए इन्होंने भी उन रोल को स्वीकार करके निभाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बॉलीवुड के सबसे बड़े खूंखार खलनायक बन गए, जिन्हें देखकर लोग असलियत में भी डर जाया करते थे। लेकिन अगर बात करें बॉलीवुड के इस खूंखार खलनायक के आज के हालात के बारे में, तो आपको बता दें कि फिल्मों के हैंडसम विलन आज 81 साल के हो चुके हैं। इन पर बुढ़ापे का असर साफ दिखता है, इनकी फेस की स्किन लटकने लगी है, पर आज भी इन्होंने अपना स्टाइलिश स्वैग नहीं छोड़ा है। इनकी पर्सनैलिटी आज भी काफी स्टाइलिश है, पर अब ये फिल्मों में थोड़ा कम काम करते हैं। तभी तो ये आखिरी बार साल 2019 की फिल्म हाउसफुल 4 में दिखे थे, जिसके बाद ये किसी फिल्म में नहीं दिखे। वहीं अभी ये अपनी पत्नी आलोका बेदी और अपने बच्चों के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप अपने फेवरेट विलन के आज के हालातों के बारे में जानकर, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।